आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फिर से एक इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज 21 नवंबर 2023 का डेट है, लेकिन कल जो है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, बिहार आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए 22 नवंबर का दिन बहुत बड़ा दिन हो सकता है, बड़ा तारीख हो सकता है। क्योंकि आप सभी को पहले से ही मालूम है कि कैबिनेट की मीटिंग कल यानी 22 नवंबर को आयोजित की गई है। इसके अलावा जो है बिहार राज्य आंगनबाड़ी यूनियन की मीटिंग भी जो है वो कल 22 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की गई है। आप सभी को मालूम है इस बीच पिछले 10 दिनों में कई सेविका और सहायिका को चयनमुक्त करने के संबंध में चिट्ठी निकाली गई, कई पर कार्रवाई हुई, कुछ लोगों ने योगदान भी दे दिया और बहुत सारे जगहों पर अभी भी हड़ताल चल रहा है। मांग वही है कि सरकार जब तक हमारी बातों को 5 सूत्री मांगों पर विचार नहीं करती तब तक हम लोग हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। इसके संबंध में कल जो है यूनियन की एक बहुत बड़ी मीटिंग और साथ में कैबिनेट की मीटिंग भी होने वाली है। अभी 2 दिन पहले आपने न्यूज में देखा होगा, वीडियो में देखा होगा कि किस प्रकार आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का मानदेय 600 के आसपास बढ़ने की उम्मीद पूरी जताई जा रही है और मंत्रिपरिषद को इसके लिए जो है प्रस्ताव भेज दिया गया है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। तो कल का डेट आप सभी के लिए बहुत बड़ा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको यूनियन का वो मैसेज दिखाऊंगा जिसमें चयनमुक्त की गई सेविका और सहायिकाओं का डिटेल भी मांगा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनियन का ये भी प्रयास रहेगा कि जो सेविका और सहायिकाओं को इस दौरान चयनमुक्त कर दिया गया है उनको वापस नौकरी दिलाई जाए और सरकार से वार्ता करके मांग पूरी की जाए, या फिर बिना वार्ता किए हुए सरकार जो है कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़ा आंगनबाड़ी के लिए पारित जरूर करे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए चलते हैं दोनों अपडेट की ओर। तो 22 नवंबर के विशेष अपडेट के संबंध में जो जो बड़ी अपडेट है उसके बारे में पहली खबर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, जो एक व्हाट्सएप मैसेज है जो बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के रिलेटेड जो है वो बिहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप पर लगातार वायरल हो रहा है। लिखा गया है, प्रिय बहनों, यूनियन के द्वारा कहना है कि आपको सूचित किया जाता है कि बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन एटक की विस्तारित बैठक 22 नवंबर 2023 को जो है सुबह 11 बजे केदार भवन सभागार अदालतगंज पटना में आहूत किया गया है। ये डेट और टाइम इस मीटिंग में काफ़ी मैटर करता है। 22 नवंबर यानी कल जो है सुबह 11 बजे यूनियन की अपनी मीटिंग होगी और 22 नवंबर कल सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बड़ी मीटिंग होगी। इस कैबिनेट मीटिंग में 90% से ज़्यादा चांस है कि आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए घोषणा की जाए, भले ही ये मानदेय बढ़ोतरी या जो भी घोषणा आंगनबाड़ी वर्कर्स के लिए काफ़ी कम हो, लेकिन कुछ न कुछ निर्णय जरूर लिया जाएगा। 10:30 बजे जो है कैबिनेट की मीटिंग है बिहार सरकार की और 11 बजे यूनियन की मीटिंग है, दोनों पटना में ही अपने अपने कार्यालय में होने वाली है। लेकिन जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसका फैसला जो है वो 11:30-12 बजे तक आएगा और यूनियन का क्या निर्णय रहता है, किस प्रकार क्या रहता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा। आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि कल 22 नवंबर के लिए आप सभी को एक बड़ा दिन हो सकता है। बैठक में जो है CPI के राज्य सचिव रहेंगे, CPI के विधायक दल के नेता रहेंगे, साथ में एटक के राज्य के अध्यक्ष रहेंगे, महासचिव रहेंगे ऑल इंडिया आंगनबाड़ी वर्कर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व विधान पार्षद श्रीमती उषा सहनी भी भाग लेंगे। सबसे बड़ी बात, इस यूनियन की मीटिंग में क्या निर्णय लिया जाएगा कि बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद हो रहे व्यापक पैमाने पर आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं को चयन रद्द, कुछ जिलों में अध्यक्ष महासचिव और नेतृत्वकर्ता पर FIR के मुकदमे, मानव अधिकार का घोर उल्लंघन कर डरा धमका कर हड़ताल से जबरन वापस कराने के साथ साथ आगे के कार्यक्रम एवं रणनीति विचार तैयार करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श किया जाएगा, ये यूनियन का मीटिंग में एजेंडा रहने वाला है। विनम्रतापूर्वक आग्रह किया जाता है कि अब तक किए गए चयनमुक्त का हार्ड कॉपी एवं मुकदमे की भी हार्ड कॉपी हर हालात में बैठक के साथ लेते आवे, यानी परियोजना स्तर पर जो यूनियन के लीडर हैं उनको ये रिक्वेस्ट कर रहा है पटना से यूनियन के जो मेन लीडर हैं कि जिस जिस परियोजना में जहाँ जहाँ जो जो सेविका सहायिका चयनमुक्ति गई है हड़ताल मनाने का उनका पूरा डिटेल लेकर के हैं। परियोजना कमेटी एवं जिला कमेटियों के अध्यक्ष महासचिव से आग्रह है कि अपने अपने परियोजना एवं जिला का चयन एवं मुकदमों का हार्ड कॉपी अवश्य लाने की गारंटी करें। साथ में यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि समय बैठक में समय से पूर्व आकर कागजात जमा कर दे ताकि डिस्टर्ब नहीं हो। बिहार में 38 जिले हैं और लगभग मैक्सिमम जिलों में जो है आंगनबाड़ी संयुक्त संघर्ष समिति का अपना प्रभाव है, तो यहाँ पर जो है अलग अलग परियोजना में जिले में जहाँ जहाँ सेविकाओं सहायिका को चयनमुक्त किया गया है उसका डिटेल भी लेकर के आना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनियन के ऊपर ये प्रेशर है कि जो सेविका सहायिका हड़ताल मनाने के चलते चयनमुक्त हो गई है, जो सेविका सहायिका इस काम पर ही डिपेंड थी अब उनकी भी नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। हड़ताल जारी है और जारी रहेगा ये संघ का कहना है। साथ में संयुक्त संघर्ष समिति के चारों घटकों की चट्टानी एकता बरकरार है, तो डरने और घबराने की जरूरत नहीं, अगर हड़ताल तोड़कर वापस कर लीजिएगा तो जीती हुई बाजी आप हार जाएंगे, ऐसा यूनियन का कहना है।
वे लोग धन्यवाद के पात्र हैं जो लाठी खाकर हाथ पर टुड़वा कर चयन मुक्त होकर एक मुकदमा करवा कर हड़ताल में अभी भी डटे हुए हैं। वे लोग और भी धन्यवाद के पात्र हैं जिन लोगों को पदाधिकारियों द्वारा डरा धमका कर जबरन योगदान करवा दिया गया, फिर भी वह पुनः हड़ताल में आ गए। आपका साथी कुमार बिंदेश्वर सिंह महासचिव के द्वारा ये मैसेज वायरल हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि कल जो है या तो यूनियन के द्वारा कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है हड़ताल के संबंध में, या फिर बिहार सरकार के कैबिनेट मीटिंग में जो कल ही 10:30 बजे है 22 नवंबर को, उसमें कोई बड़ा निर्णय जो है सरकार आंगनबाड़ी के संबंध में जरूर ले सकती है। तो ये दोनों चीज़ों पर कल के खबर में नज़र बनाए रहिएगा। आई होप आप इस वीडियो को अन्य सेविकाओं के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सबको जानकारी मिल पाए। फिलहाल इस छोटे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।